हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी ऑफ जीनियस क्लासेस सागर। मैं रोहित पटेल आज आपके लिए लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 13 या फिर न्यूक्लियस का। देखिए फ्रेंड्स, कई स्टूडेंट्स मुझसे लाइव चैट के दौरान पूछ रहे थे कि सर कौन सी क्लास चल रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बता दूँ कि मैं आपके लिए क्लास 12 की यूनिट नंबर 8 का चैप्टर नंबर 13 नाभिक या फिर न्यूक्लियस पढ़ा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ से मैंने सबक लेते हुए आज से मैंने थंबनेल में भी डालना स्टार्ट कर दिया है कि भाई जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, वो स्पेशली क्लास 12th के लिए ही डेडिकेटेड है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ विशेष, कुछ खास होगा। देखिए फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने कुछ विशेष टॉपिकों को जाना था। हमने द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से समझा। हमने संभारकों के बारे में जाना, सब न्यूट्रॉनिक क्या कहलाते हैं, और हमने लास्ट में ये जाना कि आखिर नाभिक की साइज क्या होती है। फ्रेंड्स, आज हम कुछ विशेष, कुछ खास पढ़ने जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में मुख्यतः कौन से अपरमाणविक कण होते हैं। जी हाँ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही होते हैं जो किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान के लिए उत्तरदायी होते हैं। किंतु रदरफोर्ड ने पहले ही बता दिया था कि भाई किसी परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके किसी एक बिंदु पर ही संकुचित है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहता हूँ। देखिए, हमने क्लास 11th में मापन तो पढ़ा ही हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड यूनिट थी क्लास 11th की फिजिक्स में, सेकेंड ही चैप्टर था, वो था मेजरमेंट या फिर मापन। तो उसमें हमने जाना था कि हम किसी भी वस्तु की वास्तविक मापन या फिर गणना नहीं कर सकते हैं। उसके साथ कई सारे दूसरे कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हो जाते हैं कि भाई आपकी गणना प्रिसाइज नहीं है, आपकी गणना परिशुद्ध नहीं है, आपकी गणना यथार्थ नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। तो ऐसी कई सारे एप्लीकेशंस हमारी जो गणना के साथ लगती जाती हैं। और लास्ट में जो हमें पता चलता है, जो हमें मालूम चलता है कि भाई आपने जो भी कैलकुलेशन की है, आपने जो भी गणना की है, उसमें किसी न किसी प्रकार की त्रुटि रह ही जाती है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर एक त्रुटि होगी, परमाणु द्रव्यमान क्षति। हाँ फ्रेंड्स, हमारा आज का जो मुख्य टॉपिक है वो है परमाणु द्रव्यमान क्षति, कि आखिर परमाणु द्रव्यमान क्षति कहलाती क्या है। तो फ्रेंड्स, सामान्य शब्दों में कहें कि नाभिक के द्रव्यमान एवं इसके घटकों के द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। सर, आपने पूरी लाइन पढ़ दी है लेकिन अभी तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बता देता हूँ। देखिए, काफ़ी सिंपल टॉपिक है, काफ़ी सरल टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम के मद्देनजर काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। देखिए फ्रेंड्स, जो कुछ भी मैं आपके लिए बताता हूँ वो आपके लिए समझाने के लिए ही बताता हूँ। नोट्स में भी जो आपको दिखाई देता है, नोट्स में जो आपको मेरे द्वारा दिया जाता है, वो आपको समझाने के लिए दिया जाता है। क्योंकि आप किसी एक टॉपिक को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ जाएँ तो उसके बाद ही आप उसे अपने अकॉर्डिंग बोर्ड एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में लिखने के लिए काबिल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा कर्तव्य आपको केवल काबिल बनाना है। मेरा कर्तव्य आपको नोट्स देना नहीं है कि भाई बोर्ड एग्जाम में जाओ और ठीक ऐसा ही छापाओ जैसा मैं आपके लिए छपाया दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए केवल कैपेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैपेबल हो जाइए और आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग जो कुछ भी आपने उस टॉपिक के अंदर समझा है, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक के लिए आपको समझाने के लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ, तो वो मैं आपके लिए समझाने के लिए करता हूँ, ना कि आपसे कहता हूँ कि जैसा मैं आपके लिए दे रहा हूँ ठीक वैसा ही आप उसे बोर्ड एग्जाम में छापाइए। तो देखिए भाई, परमाणु द्रव्यमान क्षति नए प्रकार का कॉन्सेप्ट आया है हमारे सामने उभर के। तो देखिए, नाभिक के द्रव्यमान, देखिए भाई नाभिक में मुख्यतः क्या पाया जाता है। नाभिक में मुख्य रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इतनी बात तो भाई हमारे लिए नीट एंड क्लीन क्लियर होनी चाहिए। जितने हमारे साथीगण नहीं जानते हैं वो भी आज से समझ जाइए कि नाभिक के अंदर मुख्यतः न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही पाए जाते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि नाभिक के द्रव्यमान और इसके घटकों के द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नाभिक के द्रव्यमान के लिए कौन कौन से कण उत्तरदायी होते हैं। सर, आप कहेंगे कि सर नाभिक के द्रव्यमान के लिए उत्तरदायी जो कण होते हैं वो मुख्यतः न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जैसा इस वक्त आप इस लाल गेरी में देख पा रहे हैं। हाँ भाई, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। उन्होंने आगे लिखा है कि घटकों के द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। भाई नाभिक के घटक कौन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पर वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नाभिक के द्रव्यमान मतलब जो किसी परमाणु का नाभिक होगा, उस नाभिक का द्रव्यमान और नाभिक के घटक होंगे, मतलब नाभिक के घटक कौन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि नाभिक का द्रव्यमान और नाभिक के घटकों के द्रव्यमान के अंतर को हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आखिर द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान क्षति क्या कहलाती है। देखिए फ्रेंड्स, वो हमसे सिंपली वर्ड्स में कहना चाह रहे हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक का जो द्रव्यमान होगा वो द्रव्यमान और उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित उसके घटक, किसी नाभिक के घटक कौन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि किसी परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान और उसके घटकों के द्रव्यमान के अंतर को ही हम परमाणु द्रव्यमान क्षति कहते हैं। फ्रेंड्स, इसे हम डेल्टा एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जी हाँ, परमाणु द्रव्यमान क्षति को हम डेल्टा एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मान हम निम्नानुसार व्यक्त कर सकते हैं, द्रव्यमान क्षति बराबर अपेक्षित द्रव्यमान माइनस प्रायोगिक परमाणु द्रव्यमान।
जी हाँ फ्रेंड्स, काफी आसान सी बात है कि देखिए द्रव्यमान क्षति क्या हो गया यहाँ पर। जो हमने अपेक्षा की थी, जो हमने अपेक्षा की थी कि भाई परमाणु का द्रव्यमान इतना इतना होना चाहिए, लेकिन परमाणु का द्रव्यमान उतना ना मिलके जब हमने प्रयोग से प्राप्त किया कि प्रायोगिक परमाणु द्रव्यमान हमें कुछ अलग मिला, हमने अपेक्षा की थी उस अपेक्षा का मान कुछ अलग मिला, तो इस कारण से परमाणु द्रव्यमान क्षति का जो मान होता है वह अपेक्षित द्रव्यमान और प्रायोगिक द्रव्यमानों के अंदर के बराबर होता है। देखिए फ्रेंड्स, अपेक्षित मान हमेशा ही अधिक होते हैं। देखिए जब हम अपने रिजल्ट की कल्पना करते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमारे 95 या 96 बनने वाले होते हैं, तो हम 99 या फिर 98 की ही सोचा करते हैं। तो मतलब यहाँ से मैं आपके लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर वक्त हमारी अपेक्षाएं कुछ रियलिटी से बढ़कर ही होती हैं। तो इस कारण से जो परमाणु की द्रव्यमान क्षति है, उसमें अपेक्षित द्रव्यमान में से प्रायोगिक परमाणु द्रव्यमान घटाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखिए आप ऊपर दर्शाए गए ऐसा भी लिख सकते हैं कि परमाणु का द्रव्यमान उसके घटकों के द्रव्यमान के अंतर को हम परमाणु द्रव्यमान क्षति कहते हैं, और आप दूसरे शब्दों में कहें कि किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान क्षति अपेक्षित द्रव्यमान और प्रायोगिक द्रव्यमान के अंतर के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, इसे हम यदि मैथमेटिकली फॉर्म में लिखें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए द्रव्यमान क्षति को हम डेल्टा एम से दर्शाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक समझाना चाहता हूँ। देखिए जेड मतलब क्या होता है? परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या मतलब परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का सीधा संबंध किस चीज से होता है भाई? परमाणु क्रमांक का सीधा संबंध परमाणु क्रमांक या फिर प्रोटोनों की संख्या से होता है। तो यहाँ पर चूंकि हम अपेक्षित द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, तो जितना भी आपको इस यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वो सब अपेक्षित द्रव्यमान के लिए ही लिखा गया है। देखिए फ्रेंड्स, यदि हम सामान्य तौर पर बात करें तो किसी परमाणु के नाभिक में कौन पाए जाते हैं भाई? प्रोटोन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम अपेक्षा करेंगे कि किसी परमाणु का द्रव्यमान उसके न्यूट्रॉनों और प्रोटोनों के द्रव्यमानों के योग के बराबर होगा। तो मतलब यहाँ पर किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोन और न्यूट्रॉनों का जो द्रव्यमान होगा उसे हम अपेक्षित द्रव्यमान कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जेड इंटू एम पी, देखिए यहाँ पर एम पी का मतलब होगा मास ऑफ प्रोटोन, मतलब प्रोटोन का द्रव्यमान। जेड का मतलब क्या होगा? परमाणु क्रमांक, मतलब प्रोटोनों की संख्या। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारे पास किसी परमाणु के नाभिक में 5 प्रोटोन है, और यदि हम 5 प्रोटोन में प्रोटोन के द्रव्यमान का गुणा कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई 5ों प्रोटोनों का जो संयुक्त सम्मिलित द्रव्यमान होगा वो कितना होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं मैं कि किसी भी प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपके लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर यहाँ पर हम अपेक्षित द्रव्यमान को कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रोटोन की कहानी खत्म हो गया, हम आगे बढ़ रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि आखिर न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान कैसे हम मैथमेटिकली फॉर्म में लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बता दूं कि देखिए ए का मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान मतलब क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की दोनों संख्याओं को एक साथ हम परमाणु द्रव्यमान या फिर न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ई माइनस जेड, मतलब प्रोटोनों की और न्यूट्रॉनों की सम्मिलित संख्या में से हमने परमाणु क्रमांक घटा दिया। परमाणु क्रमांक का सीधा संबंध किससे होता है भाई? प्रोटोनों की संख्या से होता है। तो यहाँ पर प्रोटोन से प्रोटोन कैंसिल हो जाएगा और फ्रेंड्स यहाँ पर बचा केवल न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या, मतलब चूंकि यहाँ इस पूरे फॉर्म का मतलब हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पे हमने लिखा है न्यूट्रॉनों की संख्या गुणत गए न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। मान लीजिए किसी परमाणु के नाभिक में 5 न्यूट्रॉन्स हैं, तो हम उस संख्या 5 में न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का गुणा कर देंगे। फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के समान ही होता है 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। तो फ्रेंड्स, ये हमने अपेक्षा की थी कि आखिर कैसे किसी परमाणु के नाभिक में मुख्यतः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा, इसे हम कहेंगे अपेक्षित द्रव्यमान। फ्रेंड्स, आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स, काफी सिंपल सी बात है। देखिए यदि किसी परमाणु में 5 प्रोटॉन है, तो यहाँ पर हमें लिख दिया 5 प्रोटॉन और उसमें प्रोटॉन के द्रव्यमान का गुणा कर दिया। क्योंकि यहाँ पर आपको एक छोटे से समझने वाली बात है, देखिए निश्चित तौर पर यहाँ पर हम उन्ही सिंबल्स के रूप में यूज कर रहे हैं जिनके लिए हम यूनिवर्स रूप से जानते हैं। देखिए ई मतलब यहाँ पर क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान होगा। परमाणु द्रव्यमान मतलब प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का सम्मिलित योग, उसमें से हमने घटा दिया परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का सीधा संबंध होता है प्रोटोनों की संख्या से, तो हमने प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की सम्मिलित संख्या में से प्रोटोनों की संख्या घटा दी। तो भाई सिंपली हमारे पास क्या बची? न्यूट्रॉनों की संख्या। और हमें जैसे ही पता चल जाएगा कि भाई उस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 5 होगी, तो उसमें हम न्यूट्रॉन के एक द्रव्यमान का गुणा कर देंगे। तो इस कारण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि आखिर उस परमाणु का अपेक्षित द्रव्यमान मतलब क्या होगा, मतलब उस परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उन दोनों का सम्मिलित योग ही अपेक्षित द्रव्यमान कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप यहां तक समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, परमाणु के अपेक्षित द्रव्यमान में से हमें घटाना है प्रायोगिक परमाणु द्रव्यमान, मतलब प्रयोगों से हमने निकाला था जो परमाणु का द्रव्यमान निकाला था वो था कैपिटल एम। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे ही हम परमाणु द्रव्यमान क्षति को पूरे एग्जाम में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स,
यहाँ पर मैथमेटिकली फॉर्म आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आखिर कैसे हमने इसे मैथमेटिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, परमाणु द्रव्यमान क्षति की वैसे ही कहानी थी, आपको सिर्फ इसका थोड़ा सा मैथमेटिकली फॉर्म समझने की आवश्यकता है बस, और आपको इसमें कुछ भी समझने की कोशिश नहीं करनी है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ही कुछ परमाणु द्रव्यमान क्षति का जो हमने गणितीय रूप लिखा है इसमें ही कुछ विशेष बात है, बाकी तो सब सामान्य अच्छी बातें हैं। और यदि बोर्ड एग्जाम में परमाणु द्रव्यमान क्षति या फिर डेल्टा एम को समझाने का कॉन्सेप्ट आता है तो आप इतना लिख दें तो पर्याप्त ही होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर परमाणु द्रव्यमान क्षति क्या कहलाता है। फ्रेंड्स, यदि आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और यस टाइप कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हर चीज का कोई ना कोई महत्व जरूर होता है, ठीक ऐसे ही परमाणु द्रव्यमान क्षति का भी कोई ना कोई महत्व होगा, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान क्षति हमारे लिए कुछ नया कुछ अनोखा समझाने की कोशिश करेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमाणु द्रव्यमान क्षति ज्ञात करके हम उस परमाणु को विखंडित करने हेतु आवश्यक ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी तो आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत उपयोग में लाया जा सकता है। फ्रेंड्स, चलिए मैं आपके लिए समझाता हूँ कि आखिर कैसे हम किसी परमाणु के नाभिक को विखंडित करने के लिए परमाणु द्रव्यमान क्षति का महत्व यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए आइंस्टाइन ने कौन सा समीकरण दिया था, इक्वल टू एमजी स्क्वायर, मतलब हम एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि हमें परमाणु द्रव्यमान क्षति का मान प्राप्त हो जाएगा क्योंकि हम अपने प्रयोगों के दौरान और जो हमने अपेक्षाओं पर, फ्रेंड्स जैसे ही हमें डेल्टा एम का मान प्राप्त हो जाएगा, मतलब परमाणु द्रव्यमान क्षति का मान प्राप्त हो जाएगा क्योंकि हम परमाणु द्रव्यमान क्षति का मान अपेक्षित द्रव्यमान और प्रायोगिक द्रव्यमान दोनों के अंदर से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे ही हमें डेल्टा एम का मान प्राप्त होगा ठीक वैसे ही हम एनर्जी का मान भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा संभव है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में बता दिया था कि आप मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हमें परमाणु द्रव्यमान क्षति का मान प्राप्त होगा ठीक वैसे ही हम उसे एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और उस एनर्जी को हम उस परमाणु के नाभिक को विखंडित करने के लिए यूज कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम ऑक्सीजन नाभिक को 8 प्रोटोनों और 8 न्यूट्रॉनों में विखंडित करना चाहें तो हमें अतिरिक्त ऊर्जा डेल्टा एम सी स्क्वायर इस नाभिक को प्रदान करनी होगी। मतलब यदि किसी ऑक्सीजन के नाभिक में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, फिर निश्चित सी बात है कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 ही होता है, तो उसके नाभिक में 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स ही होंगे। तो यदि हमें उसके नाभिक को विखंडित करना है तो हमें जो ऊर्जा होगी वो होगी डेल्टा एम सी स्क्वायर इस नाभिक को प्रदान करनी होगी। इसके लिए आवश्यक ऊर्जा ई द्रव्यमान क्षति से समीकरण द्वारा संबंधित होती है, वो समीकरण है इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। जी हाँ फ्रेंड्स, आइंस्टाइन का जो समीकरण होता है वो सामान्य रूप से होता है इक्वल टू एम सी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हमें एम का मान चूंकि परमाणु द्रव्यमान क्षति के रूप में रखना है, इस कारण से हम इस इक्वेशन में लिखेंगे इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी परमाणु द्रव्यमान क्षति का महत्व क्या होता है, उस परमाणु द्रव्यमान क्षति का उपयोग करके हम उस परमाणु के नाभिक को विखंडित कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस सब कहने सुनने की बातें हम सभी जानते हैं, किसी परमाणु का नाभिक कितना छोटा होता है। हमने कल की क्लास में एक क्वेश्चन लिया था, कई स्टूडेंट्स ने उसका सही आंसर मुझे कमेंट भी किया था कि भाई किसी नाभिक का द्रव्य का घनत्व कितना अधिक होता है, 2.3 × 10⁻¹⁷ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। फ्रेंड्स, मतलब इतना ज्यादा उस नाभिक के द्रव्य का घनत्व होगा, तो आप क्या सोचते हैं कि आप उससे इतनी आसानी से एनर्जी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब हमारी कहने सुनने की बातें हैं। हाँ, ऐसा संभव भी है, लेकिन हमें ऐसे कई सारे अपडेटर्स कई सारे इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी, तो इसको काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, लेकिन यदि हम कुछ भी करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, ई का मान हमें यदि ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा, डेल्टा एम का मान रखना होगा। हम सामान्य तौर से डेल्टा एम का मान निकाल सकते हैं, हमारी जो अपेक्षाएं होंगी उस अपेक्षाओं के द्रव्यमान में से हम प्रायोगिक द्रव्यमान घटा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो हमने परमाणु द्रव्यमान पढ़ा था तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए एक लिंक प्रोवाइड कराई थी, उस लिंक में मैंने आपको बताया था, क्योंकि मैंने नहीं बताया था, एक सर बता रहे थे कि आखिर हम कैसे स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो मतलब उन सब प्रोसीजर को फॉलो करके आप डेल्टा एम का मान प्राप्त कर सकते हैं, डेल्टा एम का मान आप निकाल सकते हैं और उसमें आपको सी का स्क्वायर कर देना है। सी की वैल्यू इतनी छोटी सी होती है 3 × 10⁸, सी का स्क्वायर करना है फ्रेंड, जब 3 × 10⁸ का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 × 10⁻¹⁶। उस 9 × 10⁻¹⁶ में आपको गुणा करना होगा किस चीज़ का, भाई डेल्टा एम का। डेल्टा एम का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं, जब इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको उतनी एनर्जी मिल जाएगी, उतनी एनर्जी आपको उस परमाणु के उस पर्टिकुलर परमाणु के नाभिक को देनी होगी। और जैसे ही आप
उतनी एनर्जी उस पर्टिकुलर परमाणु के नाभिक को देंगे तो उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में अलग अलग हो जाएंगे, मतलब उसका नाभिक विखंडित हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान छवि का केवल इतना ही महत्व है, यहाँ पर इसकी कहानी होती है खत्म। चलिए फ्रेंड्स चलते चलते एक और टॉपिक समझ लेते हैं जो कि है कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या कहलाती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो फ्रेंड्स यदि कुछ न्यूट्रॉनों एवं प्रोटोनों को पास पास लाकर, जैसा कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, निश्चित आवेश एवं द्रव्यमान वाला एक नाभिक बनाया जाए तो इस प्रक्रिया में जो एनर्जी, इससे हमने लिखा है डेल्टा ई बी, मतलब बाइंडिंग एनर्जी, ऊर्जा मुक्त होगी। यह ऊर्जा डेल्टा ई बी नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है। देखिए फ्रेंड्स काफी आसान सा टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रकृति के नियमों का थोड़ा सा बदलाव किया है। देखिए प्रकृति ने तो हमें सारे तत्व सारे परमाणु दिए हुए हैं, उनमें नाभिक की सारी व्यवस्था, मतलब सब कुछ एक पर्टिकुलर वे में चल रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ स्ट्रीम से हटकर करने की कोशिश की है। यहाँ पर हमने क्या किया है, यदि कुछ न्यूट्रॉनों व प्रोटोनों को आपस में पास पास लाया है, जैसा कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमने कैसे भी करके कुछ न्यूट्रॉनों और कुछ प्रोटोनों को आपस में पास पास लाने की कोशिश की है। और जैसे ही हम सभी जानते हैं कि भाई यदि हम न्यूट्रॉनों और प्रोटोनों को, चूंकि इन दोनों को एक साथ हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, तो हम जब इन न्यूट्रॉनों और प्रोटोनों को एक साथ आपस में पास लेकर आएंगे तो एक निश्चित तौर पर निश्चित आवेश एवं निश्चित द्रव्यमान वाला एक नाभिक बन जाएगा, तो इस प्रक्रिया में जो एनर्जी रिलीज होगी। हाँ फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं, देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब हम आपस में पास लेकर आएंगे तो एक निश्चित रूप से एक निश्चित आवेश और निश्चित द्रव्यमान वाला नाभिक तो निर्मित होगा ही, लेकिन इसके साथ काफी मात्रा में ऊर्जा एनर्जी रिलीज भी होगी। तो इसी एनर्जी को हम कहते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा। मतलब यदि हम किसी नाभिक को बांधने की कोशिश करते हैं तो हमें जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी, जितनी भी एनर्जी हमें प्राप्त होगी, उसे ही हम नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसका अगला पॉइंट है कि नाभिक की बंधन ऊर्जा यह बताती है कि किसी नाभिक में न्यूक्लियॉन परस्पर कितने अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए सपोज करते हैं, वैसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा काफी अधिक होती है, तो मान लीजिए किसी एक परमाणु के नाभिकीय बंधन ऊर्जा 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इतनी तो हो ही सकती है। तो मतलब भाई 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि भाई उस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में कितनी अच्छी तरीके से बंधे हुए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, तो फ्रेंड्स अब हम अपनी क्लास को लास्ट सेगमेंट की ओर ले चलते हैं जो कि है क्विज। तो हमारे क्विज का पहला क्वेश्चन है कि परमाणु क्षति द्रव्यमान को हम दर्शाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए डेल्टा एम, ऑप्शन बी डेल एम, ऑप्शन सी डेल्टा स्मॉल एम या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। परमाणु द्रव्यमान क्षति या परमाणु क्षति द्रव्यमान को हम डेल्टा कैपिटल एम से दर्शाते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी क्वेश्चन नंबर वन के ऑप्शन ए को चूज किया है उन सभी के आंसर सही है। स्टूडेंट्स क्विज का दूसरा क्वेश्चन है परमाणु क्षति का मान होता है। आपके लिए कुछ इक्वेशंस दिए जाएंगे, उन इक्वेशंस को आपको चूज करना है। इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर थ्री या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, परमाणु क्षति का जो हमने गणितीय सूत्र निकाला था वो कुछ इस प्रकार से था कि डेल्टा एम बराबर जेड इंटू एम पी प्लस ई माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम। क्योंकि सामान्य शब्दों में हम कहें कि परमाणु क्षति द्रव्यमान का मान होता है अपेक्षित द्रव्यमान माइनस प्रायोगिक द्रव्यमान। तो चलिए फ्रेंड्स क्विज को आगे ले चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा कि यदि कुछ न्यूट्रॉनों एवं प्रोटोनों को पास लाकर निश्चित आवेश एवं द्रव्यमान वाला एक नाभिक बनाया जाए तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होगी, वो ऊर्जा क्या कहलाएगी। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए संयुक्त ऊर्जा, ऑप्शन बी असंयुक्त ऊर्जा, ऑप्शन सी बंधन ऊर्जा या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थ्री का सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। हाँ, यदि हम कुछ न्यूट्रॉनों और प्रोटोनों को आपस में पास पास लाएं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा, या फिर आप सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि उसका आंसर होगा वो होगा बंधन ऊर्जा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है परमाणु द्रव्यमान क्षति ज्ञात करके हम उस परमाणु को विखंडित करने हेतु आवश्यक ऊर्जा का मान किस समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ब्रोगली समीकरण, ऑप्शन बी आइंस्टाइन समीकरण, ऑप्शन सी दोनों समीकरणों से या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब।
तुर्की स्टूडेंट्स चौथे क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, परमाणु सदी द्रव्यमान का मान ज्ञात करके हम उस परमाणु को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की हमें आवश्यकता होगी उस ऊर्जा को हम आइंस्टाइन समीकरण से ही ज्ञात कर सकते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, आवश्यक यह ऊर्जा ई द्रव्यमान क्षति से निम्नलिखित समीकरण द्वारा संबंधित होती है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इक्वल टू डेल्टा एम सी क्यू, ऑप्शन बी इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ऑप्शन सी दोनों समीकरणों से, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन था कि जो आवश्यक ऊर्जा होगी वो आइंस्टाइन समीकरण के किस समीकरण द्वारा यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। जिन स्टूडेंट्स ने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी चूज किया था उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वेल डन। तो देखिए स्टूडेंट्स पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए फ्रेंड्स छठवा क्वेश्चन मैं आपको एज अ क्विक होमवर्क के तौर पर देना चाहता हूँ। हमारा छठवा क्वेश्चन है, नाभिक के द्रव्यमान एवं इसके घटकों के द्रव्यमान के अंतर को क्या कहते हैं। इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे वाले कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए स्टूडेंट्स कल की क्लास में हमने एक क्वेश्चन लिया था हमारे क्विज में, वो था कि लोहे के नाभिक का द्रव्यमान 55.85 यूनिफाइड यू एवं उसका परमाणु द्रव्यमान 56 यू है, तो इसका हमें नाभिकीय घनत्व ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन था तो इस क्वेश्चन को आपको कोई भी मशक्कत नहीं करनी थी, क्योंकि हमने नोट्स में पढ़ा था। मैंने आपके लिए जो नोट्स प्रोवाइड कराए थे उन नोट्स में भी स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि भाई किसी भी नाभिक के जो नाभिकीय द्रव का घनत्व होता है वो निश्चित तौर पर नियत होता है। मतलब किसी भी परमाणु के नाभिक के लिए नाभिक का घनत्व नियत होता है, एक निश्चित राशि होती है, वो होती है 2.3×10⁻¹⁷ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो फ्रेंड्स यदि ऐसा क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको बिल्कुल भी विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई स्पष्ट रूप से दिया गया है, हमारे साइंटिस्ट ने स्टडी करके बता दिया है कि किसी भी परमाणु के नाभिक के नाभिकीय द्रव का घनत्व या फिर नाभिकीय घनत्व निश्चित होता है, वह किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करता है। तो उसका मान होगा 2.3×10⁻¹⁷ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।